नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ टैगोर की इसके पहले वाली कहानी अपरिचिता आप सबको पसंद आई होगी। श्री रविंद्रनाथ टैगोर की इसी श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए आइए सुनते हैं उन्हीं के द्वारा रचित बंगाल की मिष्टी मधुर रसगुल्ले सी प्यारी मिनी और काबुल के सरल हृदय पठान रहमत की मासूम निष्कपट मित्रता की अनूठी कहानी काबुलीवाला का हिंदी अनुवाद। कहानी के सूत्रधार मिनी के पिता हैं, जो कलकत्ता के एक प्रतिष्ठित व्यक्ति हैं। उनके शब्दों में, मेरी 5 वर्ष की छोटी लड़की मिनी से पल भर भी बात किए बिना नहीं रहा जाता। दुनिया में आने के बाद भाषा सीखने में उसने सिर्फ 1 ही वर्ष लगाया होगा। उसके बाद से जितनी देर तक सो नहीं पाती है, उस समय का एक पल भी वह चुप्पी में नहीं खोती। उसकी माता बहुधा डांट फटकार कर उसकी चलती हुई जुबान बंद कर देती है, किंतु मुझसे ऐसा नहीं होता। मिनी का मौन मुझे ऐसा अस्वाभाविक सा प्रतीत होता है कि मुझसे वह अधिक देर तक सहा नहीं जाता, और यही कारण है कि मेरे साथ उसके भावों का आदान प्रदान कुछ अधिक उत्साह के साथ होता रहता है। सवेरे मैंने अपने उपन्यास के 17वें अध्याय में हाथ लगाया ही था कि इतने में मिनी ने आकर कहना आरंभ कर दिया, बाबूजी, रामदयाल दरबार कल काक को कौवा कहता था, वह कुछ नहीं जानता है ना बाबूजी। विश्व की भाषाओं की विभिन्नता के विषय में मेरे कुछ बताने से पहले ही उसने दूसरा प्रसंग छेड़ दिया, बाबूजी, भोला कहता था आकाश मुंह से पानी फेंकता है, इसी से वर्षा होती है। अच्छा बाबूजी, भोला झूठ मूठ कहता है ना, खाली बकबक किया करता है, दिन रात बकता रहता है। इस विषय में मेरी राय की तनिक भी राह न देखकर चट से धीमे स्वर में एक जटिल प्रश्न कर बैठी, बाबूजी, माँ तुम्हारी कौन लगती है। मन ही मन में मैंने कहा, साली, और फिर बोला, मिनी तू जा, भोला के साथ खेल, मुझे अभी काम है। अच्छा, तब उसने मेरी मेज के पार्श्व में पैरों के पास बैठकर अपने दोनों घुटने और हाथों को हिला हिलाकर बड़ी शीघ्रता से मुंह चलाकर अटकन बटकन दही चटा के कहना आरंभ कर दिया, जबकि मेरे उपन्यास के अध्याय में प्रताप सिंह उस समय कंचनमाला को लेकर रात्रि के प्रगाढ़ अंधकार में बंदीगृह के ऊंचे झरोखों से नीचे कलकल करती हुई सरिता में कूद रहे थे। मेरा घर सड़क के किनारे पर था। सहसा मिनी अपने अटकन बटकन को छोड़कर कमरे की खिड़की के पास जाकर दौड़ गई और जोर जोर से चिल्लाने लगी, काबुल वाला, ओ काबुल वाला। मैले कुचैले ढीले कपड़े पहने, सिर पर कुल्ला रखे, उस पर साफा बांधे, कंधे पर सूखे फलों की मैली झोली लटकाए, हाथ में चमन के अंगूरों की कुछ पिटारियां लिए, एक लंबा तगड़ा सा काबुली मस्त चाल से सड़क पर जा रहा था। उसे देखकर मेरी छोटी बेटी के हृदय में कैसे भाव उदय हुए वह बताना असंभव है। उसने जोरों से पुकारना शुरू किया। मैंने सोचा, अभी झोली कंधे पर डाले सर पर एक मुसीबत आ खड़ी होगी और मेरा 17वां अध्याय आज अधूरा रह जाएगा। किंतु मिनी के चिल्लाने पर जो ही काबुली ने हंसते हुए उसकी ओर मुँह फेरा और घर की ओर बढ़ने लगा, त्यों ही मिनी भय खाकर भीतर भाग गई। फिर उसका पता ही नहीं लगा कि वह कहाँ छिप गई। उसके छोटे से मन में वह अंधविश्वास बैठ गया था कि उस मैली कुचैली झोली के अंदर ढूंढने पर उस जैसी और भी जीती जागती बच्ची निकल सकती है। इधर काबुली ने आकर मुस्कुराते हुए मुझे हाथ उठाकर अभिवादन किया और खड़ा हो गया। मैंने सोचा, वास्तव में प्रताप सिंह और कंचनमाला की दशा अत्यंत संकटापन्न है, फिर भी घर में बुलाकर इससे कुछ ना खरीदना अच्छा ना होगा। कुछ सौदा खरीदा गया। उसके बाद मैं उससे इधर उधर की बातें करने लगा। रहमत रूस, अंग्रेज, सीमांत रक्षा के बारे में गपशप होने लगी। अंत में उठकर जाते हुए उसने अपनी मिली जुली भाषा में पूछा, बाबूजी, आपकी बच्ची कहाँ गई। मैंने मिनी के मन से व्यर्थ का भय दूर करने के अभिप्राय से उसे भीतर से बुलवा लिया। वह मुझसे बिल्कुल लगकर काबुली के मुख और झोली की ओर संदेहात्मक दृष्टि डालती हुई खड़ी रही। काबुली ने झोली में से किशमिश और खुबानी निकाल कर देनी चाहिए,
पर उसने ना ली और दुगने संदेह के साथ मेरे घुटनों से लिपट गई। उसका पहला परिचय इस प्रकार हुआ। इस घटना के कुछ दिन बाद एक दिन सवेरे मैं किसी आवश्यक कार्यवश बाहर जा रहा था। देखूं तो मेरी बिटिया दरवाजे के पास बेंच पर बैठी हुई काबुली से हंस हंस कर बातें कर रही है और काबुली उसके पैरों के समीप बैठा बैठा मुस्कुराता हुआ उन्हें ध्यान से सुन रहा है और बीच बीच में अपनी राय मिलीजुली भाषा में व्यक्त करता जा रहा है। मिनी को अपने 5 वर्ष के जीवन में बाबूजी के सिवा ऐसा धैर्य वाला श्रोता शायद ही कभी मिला हो। देखा तो उसका फ्रॉक का अग्रभाग बादाम किशमिश से भरा हुआ था। मैंने काबुली से कहा, इसे यह सब क्यों दे दिया, अब कभी मत देना, कहकर कुर्ते की जेब में से एक अठन्नी निकालकर उसे दी। उसने बिना किसी हिचक के अठन्नी लेकर अपनी झोली में रख ली। कुछ देर बाद घर लौटकर देखता हूँ तो उस अठन्नी ने बड़ा भारी उपद्रव खड़ा कर दिया है। मिनी की माँ एक सफ़ेद चमकीला गोलाकार पदार्थ हाथ में लिए डांट टपट कर मिनी से पूछ रही थी, तूने यह अठन्नी पाई कहाँ से, बता। मिनी ने कहा, काबुल वाले ने दी है। काबुल वाले से तूने अठन्नी ली कैसे, बता। मिनी ने रोने का उपक्रम करते हुए कहा, मैंने मांगी नहीं थी, उसने आप ही दी है। मैंने जाकर मिनी की उस अकस्मात मुसीबत से रक्षा की और उसे बाहर ले आया। मालूम हुआ कि काबुली के साथ मिनी की यह दूसरी ही भेंट थी, सो बात नहीं। इस दौरान में वह रोज़ आता रहा और पिस्ता बादाम की रिश्वत दे देकर मिनी के छोटे से हृदय पर बहुत अधिकार कर लिया है। देखा कि इस नई मित्रता में बंधी हुई बातें और हंसी ही प्रचलित है। जैसे मेरी बिटिया रहमत को देखते ही हंसती हुई पूछती, काबुल वाला, ओ काबुल वाला, तुम्हारी झोली के भीतर क्या है। काबुली, जिसका नाम रहमत था, एक अनावश्यक चंद्रबिंदु जोड़कर मुस्कुराता हुआ उत्तर देता, हाँ बिटिया, उसके परिहास का रहस्य क्या है यह तो नहीं कहा जा सकता, फिर भी इन नए मित्रों को इससे तनिक विशेष खेल सा प्रतीत होता है। और जाड़े के प्रभात में एक सयाने और एक बच्चे की सरल हंसी सुनकर मुझे भी बड़ा अच्छा लगता। उन दोनों मित्रों में और भी एक बात प्रचलित थी। रहमत मिनी से कहता, तुम ससुराल नहीं जाना, अच्छा। हमारे देश की लड़कियां जन्म से ही ससुराल शब्द से परिचित रहती हैं, किंतु हम लोग तनिक कुछ नई रोशनी के होने के कारण तनिक सी बच्ची को ससुराल के विषय में विशेष ज्ञानी नहीं बना सके थे, अतः रहमत का अनुरोध वह स्पष्ट रूप से नहीं समझ पाती थी। उस पर भी किसी बात का उत्तर दिए बिना चुप रहना उसके स्वभाव के बिल्कुल ही विरुद्ध था। उल्टे वह रहमत से ही पूछती, तुम ससुराल जाओगे। रहमत काल्पनिक ससुर के लिए अपना जबरदस्त खूंसा तान कर कहता, हम ससुर को मारेगा। सुनकर मिनी ससुर नामक किसी अनजाने जीव की दुरावस्था की कल्पना करके खूब हंसती। देखते देखते जाड़े की सुहावनी ऋतु आ गई। पूर्व युग में इसी समय राजा लोग दिग्विजय के लिए कूच करते थे। मैं कलकत्ता छोड़कर कभी कहीं नहीं गया था, शायद इसीलिए मेरा मन ब्रह्मांड में घूमा करता है, यानी मैं अपने घर में ही चिर प्रवासी हूँ। बाहरी ब्रह्मांड के लिए मेरा मन सर्वदा आतुर रहता था। किसी विदेश का नाम आते ही मेरा मन वहीं की उड़ान लगाने लगता था। इसी प्रकार किसी विदेशी को देखते ही तत्काल मेरा मन सरिता पर्वत बीहड़ वन के बीच में एक कुटीर का दृश्य देखने लगता है और एक उल्लासपूर्वक स्वतंत्र जीवन यात्रा की बात कल्पना में जाग उठती है। इधर देखा तो मैं ऐसी प्रकृति का प्राणी हूँ जिसका अपना घर छोड़कर बाहर निकलने में सिर कटता है। यही कारण है कि सवेरे के समय अपने छोटे से कमरे में मेज के सामने बैठकर उस काबुली से गपशप लड़ाकर बहुत कुछ भ्रमण का काम निकाल लिया करता हूँ। मेरे सामने काबुल का पूरा चित्र खिंच जाता। दोनों ओर ऊबड़ खाबड़ लाल लाल ऊंचे दुर्गम पर्वत हैं और रेगिस्तानी मार्ग, उन पर लदे हुए ऊँटों की कतार जा रही है। ऊँचे ऊँचे साफे बांधे हुए सौदागर और यात्री कुछ ऊँट की सवारी पर हैं तो कुछ पैदल ही जा रहे हैं। किन्हीं के हाथों में बर्छा है तो कोई बाबा आदम के ज़माने की पुरानी बंदूक थामे हुए है। बादलों की भयानक गर्जन के स्वर में काबुली लोग अपने मिली जुली भाषा में अपने देश की बातें कर रहे हैं।
मिनी की माँ बड़ी वहमी तबीयत की है। राह में किसी प्रकार का शोरगुल हुआ नहीं कि उसने समझ लिया कि संसार भर के सारे मस्त शराबी हमारे घर की ओर दौड़े आ रहे हैं। उसके विचारों में यह दुनिया इस छोर से उस छोर तक चोर डकैत मस्त शराबी सांप बाघ रोगों मलेरिया तिलचट्टे और अंग्रेज़ों से भरी पड़ी है। इतने दिन हुए इस दुनिया में रहते हुए, तब भी उसके मन का ये रोग दूर नहीं हुआ। रहमत काबुली की ओर से भी पूरी तरह निश्चिंत नहीं थी। उस पर विशेष नज़र रखने के लिए मुझसे बार बार अनुरोध करती। जब मैं उसके शक को परिहास के आवरण से ढकना चाहता तो मुझसे एक साथ कई प्रश्न पूछ बैठती। क्या कभी किसी का लड़का नहीं चुराया गया? क्या काबुल में गुलाम नहीं बिकते? क्या एक लंबे तगड़े काबुली के लिए एक छोटे बच्चे का उठा ले जाना असंभव है? इत्यादि। मुझे मानना पड़ता कि यह बात नितांत असंभव हो सो बात नहीं, पर भरोसे के काबिल नहीं। भरोसा करने की शक्ति सब में समान नहीं होती। अतः मिनी की माँ के मन में भय ही रह गया, लेकिन केवल इसीलिए बिना किसी दोष के रहमत को अपने घर में आने से मना न कर सका। हर वर्ष रहमत माघ मास में लगभग अपने देश लौट जाता है। इस समय वह अपने व्यापारियों से रुपया पैसा वसूल करने में तल्लीन रहता है। उसे घर घर दुकान दुकान घूमना पड़ता है, लेकिन फिर भी मिनी से उसकी भेंट एक बार अवश्य हो जाती है। देखने में तो ऐसा प्रतीत होता है कि दोनों के मध्य किसी षड्यंत्र का श्री गणेश हो रहा है। जिस दिन वह सवेरे नहीं आ पाता, उस दिन देखूं तो वह संध्या को हाजिर है। अंधेरे में घर के कोने में उस ढीले ढाले जामा पजामा पहने झोली वाले लंबे तगड़े आदमी को देखकर सचमुच ही मन में अचानक भय सा पैदा हो जाता है। लेकिन जब देखता हूँ कि मिनी ओ काबुल वाला पुकारती हुई हंसती हंसती दौड़ी आती है और दो भिन्न भिन्न आयु के असम मित्रों में वही पुराना हास परिहास चलने लगता है, तब मेरा सारा हृदय खुशी से नाच उठता है। एक दिन सवेरे मैं अपने छोटे कमरे में बैठा हुआ नई पुस्तक के प्रूफ देख रहा था। जाड़ा विदा होने के पूर्व आज दो तीन दिन खूब जोरों से अपना प्रकोप दिखा रहा है। जिधर देखो उधर उस जाड़े की ही चर्चा है। ऐसे जाड़े पाले में खिड़की में से सवेरे की धूप मेज के नीचे मेरे पैरों पर आ पड़ी। उसकी गर्मी मुझे अच्छी प्रतीत होने लगी। अचानक 8 बजे का समय होगा, सिर से मफलर लपेटे उषाचरण सवेरे की सैर करके घर की ओर लौट रहे थे। ठीक इस समय राह में एक बड़े जोर का शोर सुनाई दिया। देखूं तो अपने उस रहमत को दो सिपाही बांधे लिए जा रहे हैं। उनके पीछे बहुत से तमाशाई बच्चों का झुंड चला आ रहा है। रहमत के ढीले ढाले कुर्ते पर खून के दाग हैं और एक सिपाही के हाथ में खून से लथपथ छुरा। मैंने द्वार से बाहर निकलकर सिपाही को रोक लिया। पूछा, क्या बात है? कुछ सिपाही से और कुछ रहमत से सुना कि हमारे एक पड़ोसी ने रहमत से रामपुरी चादर खरीदी थी। उसके कुछ रुपये उसकी ओर बाकी थे जिन्हें देने से उसने साफ इनकार कर दिया। बस इसी पर दोनों में बात बढ़ गई और रहमत ने छुरा निकालकर घोंप दिया। रहमत उस झूठे बेईमान आदमी के लिए भिन्न भिन्न प्रकार के अपशब्द सुना रहा था। इतने में काबुल वाला ओ काबुल वाला पुकारती हुई मिनी घर से निकल आई। रहमत का चेहरा क्षण भर में कौतुक हास्य से चमक उठा। उसके कंधे पर आज झोली नहीं थी, अतः झोली के बारे में दोनों मित्रों की अभ्यस्त आलोचना न चल सकी। मिनी ने आते के साथ ही पूछा, तुम ससुराल जाओगे? रहमत ने प्रफुल्लित मन से कहा, हाँ वहीं तो जा रहा हूँ। रहमत ताड़ गया कि उसका यह जवाब मिनी के चेहरे पर हंसी न ला सकेगा, और तब उसने हाथ दिखाकर कहा, ससुर को मारता पर क्या करूँ, हाथ बंधे हुए हैं। छुरा चलाने के जुर्म में रहमत को कई वर्ष तक कारावास मिला। रहमत का ध्यान धीरे धीरे मन से बिल्कुल उतर गया। हम लोग अब अपने घर में बैठकर सदा के अभ्यस्त होने के कारण नित्य के काम धंधों में उलझे हुए दिन बिता रहे थे। तभी एक स्वाधीन पर्वतों पर घूमने वाला इंसान कारागार की प्राचीरों के अंदर कैसे वर्ष पर वर्ष काट रहा होगा, यह बात हमारे मन में कभी उठी ही नहीं। और चंचल मिनी का आचरण तो और भी लज्जाप्रद था, यह बात उसके पिता को भी माननी पड़ेगी।
उसने सहज ही अपने पुराने मित्र को भूलकर पहले तो नबी सईस के साथ मित्र जोड़ी, फिर क्रमशः जैसे जैसे उसकी वयोवृद्धि होने लगी वैसे वैसे सखा के बदले एक के बाद एक उसकी सखियां जुटने लगी। और तो क्या, अब वह अपने बाबूजी के लिखने के कमरे में भी दिखाई नहीं देती। मेरा तो एक तरह से उसके साथ नाता ही टूट गया है। कितने ही वर्ष बीत गए, वर्षों बाद आज फिर एक शरद ऋतु आई है। मिनी की सगाई की बात पक्की हो गई। पूजा की छुट्टियों में उसका विवाह हो जाएगा। कैलाशवासिनी के साथ साथ अब की बार हमारे घर की आनंदमयी मिनी भी माँ बाप के घर में अंधेरा करके ससुराल चली जाएगी। सवेरे दिवाकर बड़ी सज धज के साथ निकले। वर्षों के बाद शरद ऋतु की यह नई धवल धूप सोने में सुहागे का काम दे रही है। कलकत्ता की सकरी गलियों से परस्पर सटे हुए पुराने ईट झर गंदे घरों के ऊपर भी इस धूप की आभा ने एक प्रकार का अनोखा सौंदर्य बिखेर दिया है। हमारे घर पर दिवाकर के आगमन से पूर्व ही शहनाई बज रही है। मुझे ऐसा प्रतीत हो रहा है कि जैसे यह मेरे हृदय की धड़कनों में से रो रो कर बज रही है। उसकी करुण भैरवी रागनी मानो मेरी विच्छेद पीड़ा को जाड़े की धूप के साथ सारे ब्रह्मांड में फैला रही है। मेरी मिनी का आज विवाह है। सवेरे से घर बवंडर बना हुआ है। हर समय आने जाने वालों का तांता बंधा हुआ है। आंगन में बांसों का मंडप बनाया जा रहा है। हर एक कमरे और दरवाजे में बरामदे में झाड़ फानुस लटकाए जा रहे हैं और उनकी टक टक की आवाज़ मेरे कमरों में आ रही है। चलो रे, जल्दी करो, इधर आओ कि तो कोई गिनती ही नहीं है। मैं अपने लिखने पढ़ने के कमरे में बैठा हुआ हिसाब लिख रहा था। इतने में रहमत आया और अभिवादन करके खड़ा हो गया। पहले तो मैं उसे पहचान न सका। उसके पास ना तो झोली थी और ना पहले जैसे लंबे लंबे बाल और ना चेहरे पर पहले जैसी दिव्य ज्योति ही थी। अंत में उसकी मुस्कान देखकर पहचान सका कि वह रहमत है। मैंने पूछा, क्यों रहमत, कब आए? उसने कहा, कल शाम को जेल से छूटा हूँ। सुनते ही उसके शब्द मेरे कानों में खट से बज उठे। किसी खूनी को मैंने कभी आंखों से नहीं देखा था। उसे देखकर मेरा सारा मन एकाएक सिकुड़ सा गया। मेरी यही इच्छा होने लगी कि आज के इस शुभ दिन में यह इंसान यहाँ से टल जाए तो अच्छा हो। मैंने उससे कहा, आज हमारे घर में कुछ आवश्यक काम है, सो आज मैं उसमें लगा हुआ हूँ। आज तुम जाओ, फिर आना। मेरी बात सुनकर वह उसी क्षण जाने को तैयार हो गया, पर द्वार के पास आकर कुछ इधर उधर देखकर बोला, क्या बच्ची को तनिक नहीं देख सकता? शायद उसे यही विश्वास था कि मिनी अब तक वैसी ही बच्ची बनी है। उसने सोचा हो कि मिनी अब भी पहले की तरह काबुलवाला ओ काबुलवाला पुकारती हुई दौड़ी चली आएगी। उन दोनों के पहले हास परिहास में किसी प्रकार की रुकावट ना होगी। यहाँ तक कि पहले की मित्रता की याद करके वह एक पेटी अंगूर और एक कागज़ के दोने में थोड़ी सी किशमिश और बादाम शायद अपने देश के किसी आदमी से मांग तांग कर लेता आया था। उसकी पहले की मैली कुचैली झोली आज उसके पास न थी। मैंने कहा, आज घर में बहुत काम है, सो किसी से भेंट ना हो सकेगी। मेरा उत्तर सुनकर वह कुछ उदास सा हो गया। उसी मुद्रा में उसने एक बार मेरे मुख की ओर स्थिर दृष्टि से देखा, फिर अभिवादन करके दरवाजे के बाहर निकल गया। मेरे हृदय में जाने कैसी एक वेदना सी उठी। मैं सोच ही रहा था कि उसे बुलाऊं, इतने में देखा तो वह स्वयं ही आ रहा था। वह पास आकर बोला, ये अंगूर और कुछ किशमिश बादाम बच्ची के लिए लाया था, उसको दे दीजिएगा। मैंने उसके हाथ से सामान लेकर पैसे देने चाहे, लेकिन उसने मेरे हाथ को थामते हुए कहा, आपकी बहुत मेहरबानी है बाबू साहब, हमेशा याद रहेगी। पीसा रहने दीजिए। तनिक रुक कर फिर बोला, बाबू साहब, आपकी जैसी मेरी भी देश में एक बच्ची है। मैं उसकी याद कर कर आपकी बच्ची के लिए थोड़ी सी मेवा हाथ में लेकर आया हूँ। मैं यह सौदा बेचने नहीं आता। कहते हुए उसने ढीले ढाले कुर्ते के अंदर हाथ डालकर छाती के पास से एक मैला कुचैला मुड़ा हुआ कागज़ का टुकड़ा निकाला
और बड़े जतन से उसकी चारों तह खोलकर दोनों हाथों से उसे फैलाकर मेरी मेज पर रख दिया। देखा कि कागज के उस टुकड़े पर एक नन्हे से हाथ के छोटे से पंजे की छाप है। फोटो नहीं, तेल चित्र नहीं, हाथ में थोड़ी सी कालिख लगाकर कागज के ऊपर उसी का निशान ले लिया गया है। अपनी बेटी के इस स्मृति पत्र को छाती से लगाकर रहमत हर वर्ष कलकत्ता की गली कूचों में सौदा बेचने के लिए आता है, और तब वह कालिख चित्र मानो उसकी बच्ची के हाथ का कोमल स्पर्श उसके बिछड़े हुए विशाल वक्षस्थल में अमृत उड़ेलता रहता है। देखकर मेरी आंखें भर आईं, और फिर मैं इस बात को बिल्कुल ही भूल गया कि वह एक मामूली काबुली मेवा वाला है। मैं एक उच्च वंश का रईस हूँ। तब मुझे ऐसा लगने लगा कि जो वह है वही मैं हूँ। वह भी एक बाप है और मैं भी। उसकी पर्वतवासिनी छोटी बच्ची की निशानी मेरी ही मिनी की याद दिलाती है। मैंने तत्काल ही मिनी को बाहर बुलवाया। हालांकि इस पर अंदर घर में आपत्ति की गई, पर मैंने उस पर कुछ भी ध्यान नहीं दिया। विवाह के वस्त्रों और अलंकारों में लिपटी हुई बेचारी मिनी मारे लज्जा के सिकड़ी हुई सी मेरे पास आकर खड़ी हो गई। उस अवस्था में देखकर रहमत काबुल पहले तो सकपका गया। उससे पहले जैसी बातचीत न करते बना, बाद में हंसते हुए बोला, लल्ली सास के घर जा रही है क्या? मिनी अब सास का अर्थ समझने लगी थी, अतः अब उससे पहले की तरह उत्तर देते न बना। रहमत की बात सुनकर मारे लज्जा के उसके कपूल लाल सुर्ख हो उठे। उसने मुंह को फेर लिया। मुझे उस दिन की याद आई जबकि रहमत के साथ मिनी का प्रथम परिचय हुआ था। मन में एक पीड़ा की लहर दौड़ गई। मिनी के चले जाने के बाद एक गहरी सांस लेकर रहमत फर्श पर बैठ गया। शायद उसकी समझ में यह बात एकाएक साफ हो गई कि उसकी बेटी भी इतने दिनों में बड़ी हो गई होगी, और उसके साथ भी उसे अब फिर से नई जान पहचान करनी पड़ेगी। संभवतः वह उसे पहले जैसी नहीं पाएगा। इन 8 वर्षों में उसका क्या हुआ होगा कौन जाने। सवेरे के समय शरद की स्निग्ध सूर्य किरणों में शहनाई बजने लगी, और रहमत कलकत्ता की एक गली के भीतर बैठा हुआ अफगानिस्तान के मेरू पर्वत का दृश्य देखने लगा। मैंने एक नोट निकालकर उसके हाथ में दिया और कहा, रहमत तुम देश चले जाओ अपनी लड़की के पास। तुम दोनों के मिलन सुख से मेरी मिनी सुख पाएगी। रहमत को रुपए देने के बाद विवाह के हिसाब में से मुझे उत्सव समारोह के 2 अंक काट छाट करने पड़े। जैसी मन में थी वैसी रोशनी नहीं करा सका। अंग्रेजी बाजा भी नहीं आया। घर में औरतें बड़ी बिगड़ने लगीं। सब कुछ हुआ। फिर भी मेरा विचार है कि आज एक अपूर्व ज्योत्सना से हमारा शुभ समारोह उज्ज्वल हो उठा। तो दोस्तों, यहाँ पर मिनी और रहमत की अबोध अनोखी मित्रता की यह हृदय स्पर्शी कहानी पूरी हुई। फिर क्या हुआ कुछ पता नहीं। फिर रहमत का क्या हुआ? उसका अपनी बेटी के साथ इतने सालों के बाद का वो साक्षात्कार कैसा हुआ? इसके बारे में देर तक कुछ भी कल्पना की जा सकती है। कहानी और कहानी का प्रस्तुतिकरण कैसा लगा, या फिर कहानी से संबंधित जो भी आपके विचार हो, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। आज बस यहीं तक। फिर मिलूंगी कुछ ऐसे ही अनोखे किरदारों के साथ। कंटेंट अच्छा लगे तो हौसला अफजाई के लिए लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब बटन ज़रूर दबाएं। अपना ख्याल रखें। स्वस्थ सुरक्षित और प्रसन्न रहें। धन्यवाद।